फ्रेंड्स आपके सामने है मिराबिलिस प्लांट, जिसे उर्दू और हिंदी में गुलाबबासी कहते हैं। और दोस्तों इसका अंग्रेज़ी में नेम है फोर ओ क्लॉक। फोर ओ क्लॉक इसे इसलिए कहा जाता है कि शाम के 4 बजने के बाद इस पे ये फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं और सारी रात खिले रहते हैं, और सुबह होते ही दोस्तों ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, पूरा साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, और बहुत सारे रंगों में इसके ये फ्लावर्स आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी भी आती है इसकी और देसी वैरायटी भी आती है। दोस्तों इसे कटिंग से और सीड्स के ज़रिए ग्रो करना बहुत ही आसान है। एक छोटी सी कटिंग से भी ये पौधा बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इतने खूबसूरत और प्यारे से पूरा साल फ्लावरिंग करने वाले प्लांट को आप भी अपने गार्डन में, अपने हाउस प्लांट में ऐड कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके ग्रीन ग्रीन लीव्स में और इन फ्लावर्स में। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो मालूम होगा आपको कि इससे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। शाम होने के बाद दोस्तों इन फ्लावर्स में ज़बरदस्त एक परफ्यूमिक स्मेल आने लगती है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। दोस्तों मेरे पास देखिए ये एक वैरायटी है, एक ही ब्रांच पे आप देख रहे हैं 2 रंगों के फ्लावर आ रहे हैं, येलो कलर में और ये एक रेड कलर में। दोस्तों आमतौर से इसमें जो रोज़ाना फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं वो येलो में पिंक लाइनिंग होती है। ये देखिए इसमें भी एक छोटा सा शेड आ रहा है। अक्सर हाफ फ्लावर पिंक होता है और हाफ रेड होता है, लेकिन आज इसमें में जो ये फ्लावर खिले हैं तो इस तरह से ये एक ही ब्रांच पे देखिए 2 रंग के फ्लावर खिले हैं, येलो और रेड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरे ये गुले अब्बासी प्लांट पर शेयरिंग, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। बाय बाय। इस छोटी सी वीडियो के साथ, इस छोटे से गुलाबबासी के प्लांट की 2 रंग के फूलों पर शेयरिंग के साथ। ये इसके सीड हैं, कुछ पपाया फ्रूट में जिस तरह सीड होते हैं उसी तरह के ये सीड हैं, कुछ काली मिर्च जैसे भी नज़र आते हैं। और कटिंग से देखिए एक छोटा सा, छोटी छोटी कटिंग से ये भी हमने ग्रो किए हैं।